राजनीति में हिंदू मुस्लिम का मुद्दा ना आए तब तक भारतीय नेताओं की रोटी नहीं सिक पाती है, और ये खास तौर पर चुनाव में खूब सक्रिय होता है। यहाँ मध्य प्रदेश के सीहोर में किसान पदयात्रा कार्यक्रम का समापन सभा चल रहा था, जहाँ कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह इसमें शामिल हुए थे। यहाँ दिग्विजय सिंह ने हिंदू मुस्लिम पर एक खास बयान देते हुए प्रधानमंत्री मोदी सहित ओवैसी को जमकर लताड़ लगाई। अब यहाँ इनके बयान को कहीं न कहीं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के विचारों की कॉपी बताई जा रही है, जहाँ मोहन भागवत ने भी हिंदू मुस्लिम को लेकर एकता की बात कही थी। फिलहाल एक तरफ जहाँ देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में 2022 चुनाव होने वाले हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इस आगामी चुनाव को लेकर सभी पार्टियाँ अपना पूरा दमखम लगा रही है। बीजेपी और राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से रणनीति के तहत कई रैलियों की लिस्ट तो अभी से पूरी हो चुकी है, वहीं अन्य विपक्षी पार्टियां भी यूपी के अंदर पुरजोर प्रयास में लगी है। वहीं इस बीच राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने भी शंखनाद कर दिया है। मध्य प्रदेश में अपने एक सभा में उन्होंने हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर सभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये कहते हैं कि मुसलमान चार चार बीवी कर लेते हैं, दर्जनों बच्चे पैदा कर लेते हैं, और 10-20 साल बाद मुसलमान बहुसंख्यक हो जाएंगे और हिंदू अल्पसंख्यक ही रहेंगे। मैं चुनौती देता हूँ, जो भी मुझसे चर्चा करना चाहे कर ले। इसी के साथ दिग्विजय सिंह अपने पूरे फॉर्म में नजर आए और आगे ये भी बोला कि एक स्टडी से पता चलता है कि देश में हिंदुओं के मुकाबले मुसलमानों की जनता लगातार घट रही है। 1991 से लेकर आज तक मुसलमानों की जनता जितनी तेजी से घट रही है उतनी तेजी से हिंदुओं की जनता नहीं घटी है, लेकिन आज भी मुसलमानों की जनता 2.7 है और हिंदुओं की 2.3, यानी कि परिवार में 2.3 परिवार आ जाता है और उनका 2.7 है। लेकिन जिस प्रकार से जनसंख्या की जनतर घट रही है, 2028 तक हिंदुओं की और मुसलमानों की जन्मतर बराबर हो जाएगी और उस समय पूरे देश में जनसंख्या स्थिर हो जाएगी। जो भी बढ़ोतरी होगी वो 2028 तक होगी, उसके बाद नहीं होगी। इसी बीच बागी होते दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी और ओवैसी को निशाना बनाते हुए कहा कि आज खतरा बताकर हिंदुओं को गुमराह किया जाता है और दूसरी तरफ एक ओवैसी साहब हैं जो मुसलमानों को खतरा बताकर वोट मांगते हैं। नरेंद्र मोदी जी हिंदुओं को खतरा बताते हैं, ओवैसी जी मुसलमानों को खतरा बताते हैं। न हिंदुओं को खतरा है और न मुसलमानों को खतरा है, खतरा है तो मोदी जी और ओवैसी को खतरा है। फिलहाल यहाँ कांग्रेस नेता के इस बयानबाजी का मतलब सीधे तौर पर यूपी में राजनीति से जोड़ा जा रहा है, जहाँ कांग्रेस हिंदू मुस्लिम समुदाय की एकता पर बात कर ये अपनी वोटिंग में फायदा पहुँचाना चाह रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो इन सब के बीच दिग्विजय सिंह के इन बयानों से मामला गर्मा भी सकता है, क्योंकि पहले भी मोहन भागवत ने अपने एक बयान में कहा था कि हिंदू मुस्लिम एकता की बात भ्रामक है, क्योंकि वे अलग नहीं है बल्कि एक है। सभी भारतीयों का डीएनए एक है, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, हम एक ही पूर्वज के वंशज हैं। यहाँ दो समुदाय के डीएनए के बयान पर उस वक्त खूब बवाल मचा था, वहीं दूसरी तरफ इनकी एकता की बात को लेकर लोगों ने इन्हें पसंद भी किया था। अब यहाँ हो न हो दिग्विजय सिंह भी वही तारीफ के चक्कर में एक अटपटा सा बयान दे गए और भूल गए कि शायद इनसे मुद्दा गर्मा सकता है। फिलहाल ये मामला धीरे धीरे सियासती रंग अपना रहा है, वहीं हो सकता है कांग्रेस नेता की ये फिरकी उन पर ही भारी पड़ जाए, फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता। आपको हमारी पूरी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले और देखते रहिए HCN News। धन्यवाद।